इस साल का इस्तकबाल करते हैं अपने रब के हुजूर दुआओं से। अपने हाथों को उठाइए और दुआ में शामिल हो जाइए। ऐ रब करीम, तेरी मेहरबानी कि तूने हमें ये साल पूरा करना नसीब फरमाया। ऐ करीम, तेरे दरबार में हम इल्तिजा करते हैं, अब तक जितने गुनाह किए तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, और अब नया साल आने को है, हमारे लिए बरकतों वाला साल बना दे, रहमतों वाला साल बना दे। अल्लाह पिछले गुनाह मुआफ़ कर दे और अगली ज़िंदगी हमें नेकियों वाली गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ शिफा देने वाले मौला, ये अगला साल हमारे लिए शिफा वाला साल बना दे। अल्लाह अपने दर के सिवा हमें किसी का मोहताज न कीजिए। अल्लाह बहुत सारे बे औलाद भी होंगे, तेरे ख़जानों में कमी नहीं, ये आने वाला साल उन बे औलादों के लिए औलाद वाला साल बना दे। कई लोग कर्ज़ों में डूबे हैं मालिक, करम कर ये आने वाला साल उनके कर्जे उतर जाएं। बेरोज़गार भी होंगे मालिक, करम कर दे, तू ही तो रज़ाक है, ये आने वाला साल सब के लिए हलाल तैयब आसान रोज़गार वाला साल बना दे। ए अल्लाह, हरमैन की हाज़िरी के लिए जो तड़प रहे हैं, ये आने वाला साल हम सबको मक्का पाक और मदीना तैयबा की हाज़िरी नसीब फरमा। ए अल्लाह, ये आने वाला साल हमें पांच वक्त का नमाजी भी बना, जन्नतुल बकी हम सब का मुकद्दर बना दे और जन्नतुल फिरदौस में प्यारे आका का परोस नसीब फरमा। आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।